हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे डिस्कस सीले एज अ रिवोल्यूशनरी पोइट। सीले क्या है? रिवोल्यूशनरी पॉइंट है, मतलब एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। ठीक है, रिवोल्यूशन से बना है, रिवोल्यूशनरी पोइट एक कवि है। ये देखिए आपका है, उसको पूरा नाम इसका है पी बी सैली। क्या नाम पूरा है? पी बी सीले। रखिएगा पूरा नाम क्या है इसका? पी बी सीले। ठीक है, परसी बाईसी सीले। आइए जानेंगे पी बी सैली के बारे में। ठीक है, क्या है वो आपको जानना है। चलिए जानते हैं। कोई ही आपका इम्पोर्टेंट किसका है? बिना यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 4 कोर नंबर 10 इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस सीले एज अ रिवोल्यूशनरी पोइट। आइए देखिए आते हैं। देखिए, सीले हैड सर्टेन इनहेरेंट टेंडेंसीज विच अल्टीमेटली अंततः मेड हिम अ रिबेल। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्या कहा था? देखिए, सीले हैड सर्टेन निश्चित इनहेरेंट एक अलग टेंडेंसीज विच अल्टीमेटली अंततः मेड हिम अ रिबेल एंड रिफॉर्मर। मतलब बहुत ही ज़्यादा ही सुधारक थे, ए प्रॉफेट एंड आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्ट मतलब बहुत सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। फ्रॉम हिज वेरी अर्ली लाइफ, बहुत शुरुआत की जिंदगी में ही मार्क्ड एन एंटागोनिज्म बिटवीन हिमसेल्फ, लोगों के बीच में, एंड द एस्टेब्लिश स्थापना किए थे ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, समाज का ही स्थापना किए। सिंस हिज एटोन डेज ही हैड बीन अ लवर ऑफ लिबर्टी। ये किसका बन गए? तो लिबर्टी का बहुत ही लवर बन गए, प्यार हो गया इनको। लिबर्टी मतलब क्या होता है? किसी चीज का, ठीक है, लिबर्टी मतलब तो लोकतंत्र, मतलब एक तो आज़ादी किसी चीज़ के बारे में। इक्वलिटी समानता, एंड ब्रदरहुड मतलब किसी के भाईचारे के बारे में। हिज सोल, इसकी आत्मा, रिवोल्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टायरनी, मतलब होता है किसी चीज़ का कोई अत्याचार करता है उसे कहते हैं टायरनी। एंड ऑपरेशन मतलब इसका होता है घोर अत्याचार करना, उसे कहते हैं टायरनी एंड ऑपरेशन कहा जाता है। हिज लव ऑफ लिबर्टी एंड हैट्रेड ऑफ ऑपरेशन टर्न्ड हिम इंटू अ रिबल अगेंस्ट। ये क्या था? उसके अगेंस्ट थे, विद्रोह के अगेंस्ट थे। ऑल द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, जितने एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन था आपका संस्था, विच सप्रेस्ड मैनकाइंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे क्या किया? लोगों के दया के लिए वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जाके वो क्या किए? अच्छा तरह से दिखाए हैं क्या होता है रिवोल्यूशनरी पोइट के रूप में। वो पी बी सैली से आप सिखा जाए, बहुत अच्छे ये पोइट है। आइए नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपका है ओड टू द वेस्ट विंड। सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए आपका है ओड टू द वेस्ट विंड इज ए नेचर पोएम। ये कैसा है? प्राकृतिक पोएम है, रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच। किसको नहीं डिपेंड करता है ये? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। ओड टू द वेस्ट विंड एक नेचर पोएम है। इन दिस ओड सैली यूजेज ए नेचुरल सिंबल, इसमें प्राकृतिक सिंबल चिन्ह का यूज किया गया है शैली के द्वारा एज अ व्हीकल फॉर हिज रिवोल्यूशनरी आइडियल। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है एक क्रांतिकारी के रूप में एक आदर्शवादी बनाया गया है। दिस हाईली इंटेलेक्चुअल पोएम भी बहुत ही हाई अच्छा पोएम है, बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ नेचर, प्राकृतिक के रूप में सूर्य दिखाया जाता है। दैट पोलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक एंड मोरल रीजनरेशन इज पॉसिबल बोथ इन द एटमोसफियर, जितने भी जो वातावरण हैं ऑफ नेचर प्राकृतिक का, एंड इन सोसाइटी ऑफ मैन में, जितने भी समाज के लोग इस मैन है, हमारे समाज जितने भी आदमी लोग हैं। सैलीज ऑन पर्सनलिटी, सैली का क्या था? एक अपना अलग एक पर्सनलिटी था, एक अपना योगदान था, पर्सनलिटी था। हैज बीन मर्ज, मिलाया गया, एंड फ्यूज विथ द वेस्ट विंड विच इज अ टेरिबल, मतलब होता है बहुत ही भयानक को बोलते हैं टेरिबल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति बहुत बड़ा एक क्या था? फोर्स था किसी नेचर का। ये देखिए फ्रेंड्स, ही एट्रीब्यूट्स टू इट व्हाट गोज ऑन विद इन हिज कॉन्शियसनेस, मतलब क्या चीज का सचेत था। दस द वेस्ट विंड एंड इवर रेस्टलेस एंड मूविंग स्प्रिट लाइक सीले हिमसेल्फ, अपने आप से कहते हैं इट्स सिम्बॉलिक ऑफ हिज फेथ, उनका विश्वास जो बहुत सिम्बॉल के रूप में था, अच्छा चिन्हित किया गया था। इन द फ्यूचर इमेंसिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड ऑफ रीजनरेशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन के रूप में। आई फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक आपका। देखिए, सीले बिलीव्स दैट, सीले क्या करते हैं? बिलीव, विश्वास करते हैं दोनों पर,
नेचर पर भी एंड सोसाइटी ऑफ मैन पर, जितने भी लोग हैं समाज में दोनों क्या करते हैं विश्वास करते हैं, आर सफरिंग फ्रॉम डेडली डिजीज लाइक थायरेनी, अत्याचार जो होता है ऑपरेशन आपका ठीक है, एंड करप्शंस, एंड दीज कोरोडिंग डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाई ए मेराकुलस चेंज। बहुत ही बड़ा चमत्कार बदलाव हुआ था। दिस चेंज कैन बी ब्राउट अबाउट बाई पावर, एक पावर के साथ बदले, एंड वेस्ट विंड हैज दिस पावर, और यहाँ पे जो है वेस्ट विंड एक अलग पावर था, बिकॉज क्योंकि इट इज़ डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज क्रिएटिव एजेंट, डिस्ट्रक्टिव भी है बहुत बड़ा क्रिएटिव एजेंट भी था, किसका नहीं था प्राकृतिक का। सो इसलिए ही पैशनेटली अपील्स टू द वेस्ट विंड टू लिसन टू हिज प्रेयर, और इस कारण से जो ये पैशन सहानुभूति था इसमें अपील किया गया, क्या बताया गया कि वेस्ट विंड जो है एक लिसन सुनने वाला एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है, किससे बना है, ओड टू द वेस्ट फॉर्म में लिखा गया है वेस्ट विंड। देखिए क्या है, वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, वाइल्ड मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, जंगली जो होता है, वाइल्ड स्प्रिट एक आत्मा, विच आर्ट जो हम लोग का एक कला है, मूविंग एवरीवेयर प्रत्येक जगह पे क्या करता है, घूमता है। डिस्ट्रॉय मतलब होता है किसी चीज को बाहर डिस्ट्रॉय करना, जरबर ग्रहण करना, एंड हियर ओ ईयर, हियर मतलब सुनना, कुछ करता है ये, बहुत अच्छा एक प्रेयर है लिसन सुनने के लिए ठीक है। सुनिएगा, वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। आइए नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, कहता है द वेस्ट विंड समटाइम्स रिमेन्स एज अ डोरमेंट फोर्स, होता है कभी कभार इन नेचर प्राकृतिक में, बट वैन इट बिकम्स फ्यूरियस, ये कैसा होता है मतलब मजाकियापन होता है, इट कैन ब्रिंग अबाउट टोटल चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जितने भी अर्थ में चेंजिंग आता है, द वेस्ट विंड कम्स इन इन इनएविटेबली इन द साइकल्स ऑफ सीजन्स के रूप में है। ऑटम क्या क्या सीजन इसमें आएंगे, ऑटम विंटर, ठंडा को विंटर बोलते हैं, स्प्रिंग पतझड़ एंड समर, ये जो है चार आपके सीजन है, याद रखिएगा सीजन क्या क्या हैं आपके, ऑटम विंटर स्प्रिंग एंड समर, एंड वेन, और जब इट कम जब ये आते हैं, इट ड्राइव्स द डेड एंड डिकेड, क्या होता है मृत्यु और डिकेड होता है, जो डिकम्पोज हो रहा है किसी चीज को हटाया जाना, लीव्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, और क्या कर इस समय बहुत ही पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं ग्राउंड पे, इन दिस उसी प्रकार से एज ए मैजिशियन ट्राइब्स, इसे मतलब कुछ जादू जब उस ट्राइब्स करते हैं, अवी होस्ट बाय हिज मैजिकल पावर, ये क्या होता है लाइक मैजिकल पावर का जादू होता है, इट स्कैटर्स द सीड्स फार एंड नियर, कवर्स देम विथ डस्ट सो दैट दे आर बरीड, कहता जितने भी जो चीजें हैं सीड्स बीज, वो क्या होता है छितरा जाना, क्या होता है बिखेर जाना, फार एंड नियर बहुत दूर और बहुत नजदीक भी, एंड कवर्स डैम विथ डस्ट, और उसमें जो है पूरी तरह से डस्ट कवर कर लिया जाता है, ढक के जाता है, सो इसलिए दैट देयर बरिड, और लगता है कि अंडरग्राउंड क्या किया उसे दफना दिया गया है ठीक है। दे रिमेन देयर लाइक डेड बॉडीज इन देयर ग्रेव्स, जितनी बॉडी जो ग्रेव्स में होता है गंभीर रूप से, टिल द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग व्हेन दे स्प्राउट, और जब इसे खड़ा किया जाता है इन टू प्लांट्स पौधे में, विच बियर फ्लावर्स गिविंग, क्या हो जाता है मीठा स्वीट लगता है, स्मेल एंड अट्रैक्टिव कलर्स, कलर्स कैसा हो जाता है बुरा अट्रैक्टिव होता है, उसके प्रति एक खिंचाव होता है। अब इन दिस प्रोसेस क्या कहता है, इन दिस प्रोसेस द वेस्ट विंड प्लेज अ ड्वेल रोल, ये क्या होता है ड्वेल मतलब दोहरी, इसमें क्या होता है नियम, तो एक योगदान होता है ऑफ ए डिस्ट्रॉयर एंड डिजर्वर, पहले भी आए थे वो लाइन जो पढ़े थे हम लोग, डिजर्वर का था, बिकॉज इट स्टोर्स अप द सीड्स फॉर दियर फ्यूचर ब्लॉसमिंग, ब्लॉसमिंग मतलब होता है फ्यूचर में, हम क्या सीड्स मतलब बीज जो होता है वो फूल जाएगा तक खिल जाता है, इन द कमिंग स्प्रिंग, कब हो जाता है स्प्रिंग के समय। देखिए सीलेज वेस्ट विंड इज ए स्प्रिट ऑफ द ऑटम्स बी, अब सीले का जो वेस्ट विंड है वो कब दिखाता है ऑटम के समय, विच हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन लैंड, और ये बहुत ही बड़ा एक महान प्रभावित करने वाली चीज है, होल्ड द स्टेट ऑफ मैटर इन द एयर गैसियस में एंड ऑन एंड अंडर द सी लिक्विड, लिक्विड क्या होता है पदार्थ होती है,
माउंट दिस सेंट्रल इमेज द पोएट वीप्स और साइकिल साइकिल बिझाया जाता है ऑफ डेथ एंड रिबर्थ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन दो चीज होते हैं यहाँ पे विच मे अकर इन द प्लांट वर्ल्ड इन ह्यूमन सोसाइटी एंड इन द स्काई एयर द पोएम कंटेन्स कितने होते देखिए 5 इस पोएम में जो है 5 अस्टांजा दिए गए हैं क्या क्या देखिए कहता है द फर्स्ट 3 अस्टांजा क्या कहता है clearly show the regenerative impact of the west wind on the natural world कहता है फर्स्ट जो 3 स्टांजा है वो पूरा क्लियरली दिखाता है क्या चीज को रीजनरेटिव फिर से उसको उत्पन्न करना इम्पैक्ट ऑफ द प्रभाव के लिए किसमें वेस्ट विंड ऑन द नेचुरल वर्ल्ड प्राकृतिक दुनिया है वो दिखाने का काम करती है फर्स्ट 3 स्टांजा में इन द फर्स्ट स्टांजा द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और कहता है कि फर्स्ट अस्टांजा में जो है इफ प्रभाव करता है अर्थ पर इज ब्यूटीफुली रिवील जो सुंदरता को दिखाती जागर करता है एंड द वेस्ट विंड ड्राइव्स द येल्लो क्या दिखाता है येल्लो पीला ब्लैक पेल पीला पड़ जाना एंड हेक्टिक रेड एंड द पेस्टुलेंस स्ट्राइक एंड बढ़ जाता है लीव्स सिंबलाइजिंग द डिजीज मैनकाइंड कहता है इट ऑल्सो प्रिजर्व द सीड्स फॉर फ्यूचर वेजिटेशन के रूप में होता है सिमिलरली इसी प्रकार से इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टांजा सैली हैज डिपिक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट विंड पर प्रभाव करता है इन द एयर हवा में एंड ऑन एंड अंडर द सी रिस्पेक्टिवली इसी प्रकार से समुद्र में इन चीजों को दिखाने का काम किया जाता है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा डिस्कस सैली सैली एज अ रिवोल्यूशनरी पोएट आई होप आज वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर भी करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें दोस्तों ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके इस चैनल के माध्यम से आपको लैंग्वेज लिटरेचर का हर नोट्स लैंग्वेज का हर डिफिनेशन बिल्कुल ईजी मेथड में करवाया जाता है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें ओके फ्रेंड और किस टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट अवश्य करें ओके फ्रेंड्स थैंक यू।